आज हम हैं बांगघाट में। बांगघाट उत्तराखंड का ही एक छोटा सा गांव कह सकते हैं, गांव है जो कि सतपुली के पास है। सतपुली से 1 किलोमीटर दूर चमोली सेन है, जिसमें हॉस्पिटल है, बहुत ही अच्छा है। तो हम किसी काम से वहाँ आए बैठे, तो उसी के ही 1 किलोमीटर आगे है बांगघाट। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बांगघाट को। तो चारों तरफ घाटी है, पहाड़ है, पेड़ हैं, और बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पे छोटे छोटे गांव हैं, और बीच में बहती हुई है नदी, जिसमें फिलहाल पानी थोड़ा कम है। तो फिलहाल पानी इसलिए कम है क्योंकि गवर्नमेंट ने पानी यहाँ पे रोका हुआ है, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो आसपास के गांव को थोड़ा खतरा है इस कारण। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्यारी नदी बह रही है। तो ये जगह बांगघाट है, हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर आगे बांगघाट है, और बांगघाट में ये एक पुल है जो कि बहुत पुराने टाइम का बन चुका है, लोहे का पुल है। क्योंकि आजकल लोहे के पुल तो बनते नहीं हैं, तो आप देख के समझ सकते हैं कि कितने पहले का बना था। और यही कारण है कि अब ये पुराना हो गया है, तो थोड़ा सा उसकी हालत भी खस्ता हो गई है। तो इस पुल के पार करने के बाद जो है मेन बांगघाट गाँव आता है, जिसमें बांगघाट की मार्केट भी है, और कुछ गवर्नमेंट के बनाए हुए ये गेस्ट हाउस भी, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिनमें घोड़े भी घूम रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा गांव है ये, छोटा सा प्यारा सा। थोड़ी देर में हम आपको पुल पे जाके दिखाएंगे और थोड़ा सा गांव भी घूमेंगे। तो इस गांव को पार करने के बाद जो आगे जगह आती है वो आती है घंडियाल और पांचाली। और पांचाली गाँव में हमारा एक यूट्यूबर दोस्त रहता है, आप शायद जानते होंगे, आशीष रावत, आशूस फंड टीवी के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। तो हो सकता है अगले व्लॉग में हम आपको उनसे मिलवाएं, उनके घर जाते हैं। तो फिलहाल तो हम हॉस्पिटल के काम से आए हुए हैं, इसलिए पक्का नहीं कह सकते, लेकिन अगर टाइम मिला तो हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी है। तो हम बता रहे थे आपको बांगघाट के बारे में कि बांगघाट की खास बात क्या है। तो पहले ना, कुछ टाइम पहले, अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूँ, तो बांगघाट को ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। सिर्फ वही जानते होंगे जिनका या तो इधर से निकलना होगा या फिर जो यहाँ पे रहते होंगे। लेकिन अब बांगघाट जो फेमस हुआ है ना, वो हॉस्पिटल के कारण हुआ है। यहाँ पे जो एक नया द हंस फाउंडेशन जनरल हॉस्पिटल जो ये यहाँ पे खुला है ना, उस हॉस्पिटल की वजह से अब ये जगह फेमस हो गई है। वैसे तो वो चमोली सेन में आता है, लेकिन चमोली सेन में कोई प्रॉपर बहुत बड़ा गांव या मार्केट नहीं है, इस कारण से ये जो गांव है ये चमोली सेन या सतपुली के नाम से फेमस ना होने के बाद ये बांगघाट के नाम से फेमस है। अगर कोई बोलता है कि हमें हॉस्पिटल जाना है, तो बहुत अच्छा जो हॉस्पिटल है जहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छा इलाज होता है, तो उसके लिए लोग बोलते हैं कि सतपुली बांगघाट जाओ। तो बांगघाट जो है ना, ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि नदी के ऊपर ये जो पुल बना हुआ है ना, ये पुल जोड़ता है इधर को और उधर को, इस किनारे को उस किनारे को जोड़ता है। घाट में जो ये पुल है ना, ये बांगघाट की सबसे खास बात है, क्योंकि इसी पुल को पार करके पौड़ी, देवप्रयाग और ऋषिकेश, अगर इधर से किसी को जाना हो तो यही पुल पार करके जाना पड़ेगा। ये एक वन एंड ओनली साधन है इधर से जाने का। तो जैसे सतपुली है ना, सतपुली को भी पार करके आना पड़ता है। सतपुली का भी पुल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुल है। इसी तरीके से बांगघाट का जो ये पुल है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। हम पहले आपको पुल का नज़ारा दिखाएंगे, पुल से नदी कैसी दिखती है ये दिखाएंगे, और उसके बाद बांगघाट की मार्केट और थोड़ा सा गांव भी घुमाएंगे। चलिए, नेचुरल वाटर पॉइंट मतलब प्राकृतिक पानी का स्रोत। इसमें पानी आ रहा है ना, पहाड़ों से आ रहा है, तो ये ना फिल्टर्ड पानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अपने पीने के पानी के बर्तन भरने के लिए रख लेता हूँ। तो ये पानी बिल्कुल मीठा है और बिल्कुल साफ है, और चश्मा में बहुत ठंडा है। और यहाँ पे पीने का पानी आ रहा है सीधे ऊपर जंगलों में से, पत्थर और पहाड़ों में से फिल्टर्ड होके
तो ये पानी बहुत ठंडा है और पीने लायक है, और यहाँ आसपास के लोग यहाँ से पीने का पानी लेके भी जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आसपास के गांव वालों ने अपने बर्तन रखे हुए हैं भर भर के। जनहित में जारी आपने पढ़ी लिया होगा। यहाँ पे एडमिट है और उनका सक्सेसफुल ऑपरेशन भी हो गया है, और
और अब वो ठीक है तो दिन में हम उनको घर भी ले जा सकते हैं। तो इस वजह से हमारा इधर आना हुआ तो हमने सोचा कि अच्छी जगह है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ का एक छोटा सा ब्लॉग बना लिया, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज हमने दिखाया आपको बांघाट, बांघाट का पुल, बांघाट की गाय, बांघाट की मार्केट, बांघाट का गाँव। तो आज के लिए इतना ही, इस ब्लॉग को हम एंड कर रहे हैं। अब आपने एंजॉय किया होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।